आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना, कई जानकारी इस वीडियो में लगी हैं, जिनमें से सबसे पहली जानकारी है निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी 8 सितंबर का सरकारी आदेश, जिसमें कपिल सिंह जी निदेशक हैं और उन्होंने ये आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेजा है और कहा है कि महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के लिए सहयोग प्रदान किए जाने के संबंध में। तो और इसको विस्तार से देखते हैं कि ये एक्चुअल में है आखिरकार किसके लिए। लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 25 अगस्त की, जिसके द्वारा पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के संबंध में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को कतिपय निर्देश दिए गए हैं, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25 अगस्त में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित प्रति की जो मृत्यु के बाद में निराश्रित जो महिला पेंशन योजना है उसमें लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण के लिए जनपद में, यहां पर कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र और विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर, इन पर विशेष अभियान के माध्यम से शिविर जो है बन लगा करके 100% आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने स्तर से जिला प्रोबेशन अधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान किए जाने के लिए निर्देशित करें, तथा इस कार्य में अपेक्षित सहयोग ना लिए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाए। तो मतलब लेटर जारी हुआ आपके बाल विकास विभाग से, सभी डीपीओ को भेजा गया और कहा गया इन कामों में अगर आंगनबाड़ी सहायिका जो है सहयोग ना करें तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करो। तो अब देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब काम तो लेना है और हड़की पहले ही आ जाती है कि जबरदस्ती लेना है, और ऐसे में आप देख सकते हो कि ऐसे कामों में अगर कोई यहां पर सहयोग नहीं कर रहा है तो उसको वहां पर उसके ऊपर विरुद्ध जो है कार्रवाई कर दी जाएगी। तो इस तरीके से लेटर आ गया जो कि आप देख सकते हैं आपके बाल विकास विभाग की तरफ से है। नीलम बहन है, अंबेडकर नगर से आती है, जिनके द्वारा लेटर ऑल इंडिया को भेजा गया, बहन को धन्यवाद। अब आप सोचिएगा आंगनबाड़ी बहने ऐसे कामों पर अपना टाइम जो है लगाएं, या फिर आंगनबाड़ी में आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी शिक्षा पर लगाएं। अब आप सोचिए अगर शिक्षक के काम ये सब होंगे, बेलो वाले होंगे, ऐसे वैसे होंगे, तो फिर वो पढ़ाएंगे कब? ठीक, स्वास्थ्य विभाग से कोई भी कार्य वो भी वो करें, ये सब भी ये करें, हर तरह के काम बस यही करें, तो फिर पढ़ाई कौन कराएगा नन्हे मुन्ने बच्चों की? तो सोच रहे ना शिक्षक से क्या क्या काम कराए जा रहे हैं और अपने एक विश्व गुरु देश को बनाने के सपने भी देखे जा रहे हैं, उधर बच्चों में कुपोषण मिट जाएगा ऐसे भी सपने देखे जा रहे हैं, जबकि आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को वहां पर खाने का बंदोबस्त विभाग ने यूपी में किया ही नहीं है। अब आप समझ रहे हैं दोपहर तक बच्चे भूखे बने रहते हैं। अब इन चीजों पर आखिर क्या जवाब दे है विभाग सरकार की। समरहराले गोपालगंज की बात करें अगर हम, तो बिहार की बहनों आपके गोपालगंज से ये 8 सितंबर को अभी एक लेटर जारी हुआ है, पोषण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह में गतिविधियों के संचालन और उन्हें जन आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड करने के संबंध में। तो यहां पर देखिएगा इनका साफ शब्दों में कहना यह है कि यहां पर राष्ट्रीय जो पोषण अभियान कार्यक्रम चल रहा है इस महीने, उसको poshanabhiyan.gov.in जो वेबसाइट है, पोर्टल है, इस पर आप उसको फीड करें। और इन्होंने इसमें सब कहा है कि विभागों के समन्वय से निर्धारित समय सीमा के अंतर आने वाले बच्चों में अल्प वजन, नाटापन, दुबलापन, इनकी दर में कमी लाना इसका मेन उद्देश्य है, और यहां पर इसीलिए सब चीजें दी गई हैं। फिलहाल के लिए यह मैटर उतना जरूरी नहीं है क्योंकि इन सब मुद्दों पर बात हो चुकी है, खासतौर पर राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रमों पर। अब देखिये ये वाला लेटर समाहरणालय गोपालगंज से जो दूसरा आया है, और ये लेटर आप देख सकते हैं यहां पर गोपालगंज से जारी, और इसमें कहा जा रहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी कि निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष वगैरह जो अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के संबंध में, तो महिलाओं के साथ में अगर किसी तरह की हिंसा या उत्पीड़न हो रहा है तो उस बारे में, उनके निराकरण के बारे में यह लेटर है। लिखा है कि यहां पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, इसके जो है कार्यान्वयन में
अधिनियम संख्या सब दी गई है, उसमें जो है शिकायत समिति के सदस्य उनका क्षमता वर्धन करने तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को जिसको यूनीएफपीए बोलते हैं उसके सहयोग से एक प्रश्नावली उपलब्ध कराई गई है जिससे संबंधित उत्तर सामग्री की आवश्यकता है। तो महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम जो है यहाँ पर जो कि यहाँ पर सब दे दिया गया, इसमें प्रश्नावली तैयार कर लो और 29 यहाँ पर अगस्त तक दिया गया था तब तक ये सब दे दो, और ऐसे करके चीजें थी। उम्मीद है इन मैटरों पर संज्ञान लिया जा चुका होगा और उनका जो है वहां पर निस्तारण हुआ भी होगा। राधा कुमारी बहनें गोपालगंज से आती, उनके द्वारा कुछ लेटर भेजे गए थे जो आप सबको दिखाए। जैसा कि आप सब आंगनबाड़ी बहनें परिचित हैं, सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते कुपोषण दूर करने को अब गाँव में गठित होंगी पोषण पंचायतें। तो यहाँ पर ये जागरण में बांदा जिले में एक आर्टिकल निकला है, कहा जा रहा है कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में अब पोषण पंचायत गठित होंगी। इन पंचायतों के गठन का मुख्य उद्देश्य गांव की महिलाओं को सशक्त करते हुए उनको स्वयं तथा अपने समुदाय के बच्चे किशोरी व अन्य महिलाओं को भी पोषित और स्वस्थ रखना है। पोषण पंचायत में 15 महिलाएं शामिल होंगी, साथ ही पोषण अभियान में बाल विकास कार्यक्रम सहित कई विभाग का सहयोग भी पूरा पूरा रहे। साथ ही दोस्तों इस बारे में हमने सारी जानकारी आप लोगों को सरकारी आदेश के मुताबिक पूरी कई दिन पहले ही मैं दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने उसको देखा होगा और पोषण पंचायतों का गठन कैसे होता है उसके बारे में आप सबको पता होगा कौन कौन इसमें सदस्य के रूप में। बाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, लखीमपुर खीरी में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने 8 सितंबर को एक आदेश जारी किया है और ये आदेश है 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जो राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है उसी के संबंध में साप्ताहिक कैलेंडर उन्होंने जारी किया है। तो साप्ताहिक कैलेंडर अभी हम आपको दिखाएंगे, जैसा कि आप ये देख सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको बताएंगे। और उसके अलावा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम जिसके बारे में पूर्व में बताया जा चुका है और वो सब बातें आपको कई आदेशों में हमने बता रखी हैं। अब देखो यहां पर जो ये एक डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पर आपको अपनी फोटोग्राफ्स गतिविधियां पोषण अभियान की अपलोड करनी है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है poshanabhiyan.gov.in। आप गूगल पर या कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, गूगल क्रोम ब्राउजर होगा उसमें आप लिखिए poshanabhiyan.gov.in और आप उसको सर्च करिए, वेबसाइट पोर्टल खुल जाएगा पोषण अभियान का और वहां पर आप गतिविधियों का फीडिंग कर सकती हैं। तो इन सब के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाते हैं साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर जो कि ये नया नया अभी आया है और ये लेटर भी आप देख सकते हो, ये 8 सितंबर का लेटर है, यानी अभी ये कल ही ये आदेश जारी हुआ है 8 सितंबर को जिसमें ये चीजें कही जा रही हैं। तो कल के आदेश में आया है कि 1 से लेकर के 4 सितंबर तक का ऊपर लिखा हुआ है जो कि हो गया, इसकी जरूरत नहीं। अब 5 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में जो है उसके बारे में जान लो। इसमें है आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरी और जो और वहां पर अन्य जो महिलाएं और उनमें जो है मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाना, एक तो मेन पॉइंट आपका 5 से 11 सितंबर के बीच में ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्तनपान के लिए उचित परामर्श और लाभ के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराना, साथ ही कुपोषण की रोकथाम और पोषण उसके लिए जागरूकता की रैलियां निकालना, एनीमिया की रोकथाम, प्रसव पूर्व देखभाल और यहाँ पर जो है इनके ग्राम पंचायतों को संवेदनशील बनाना, इन सब मुद्दों पर डिस्कस होगा इस वाले सप्ताह में जो कि चल रहा है, 11 को समाप्त होगा। इसके बाद 12 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक क्या होगा, आंगनबाड़ी केंद्र में किशोरियों की जो है उनमें मधुमेह के शीघ्र निदान के लिए प्रारंभिक जांच की जानकारी उपलब्ध कराना, गर्भवती धात्री और किशोरी बालिकाएं इन सब में और 6 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चे इनमें एनीमिया वगैरह और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन ये सब कराए जाएंगे, IFA टैबलेट हो गई, डिवर्मिंग टैबलेट हो गई, वो सब उनका वितरण होगा। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का भी आयोजन होगा इसी बीच और गर्भवती जो महिलाएं हैं जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर उनके लिए पोषाहार और स्थानीय स्तर पर वो सब उपलब्ध खाद्य पदार्थ, उनसे विभिन्न तरह की पोषण रेसिपी बनाई जाएंगी, तो रेसिपी प्रतियोगिता आप कह सकते हैं। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन पर यहां पर जो है आहार परामर्श शिविर आयोजित कराए जाएंगे। ऐसे ही बात करें अगर हम 19 सितंबर की, तो 19 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के बीच में क्या होगा, इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर में परिवारों के साथ में योग अभियान कराए जाएंगे और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाएं किशोरी इनको योग इस जो है सत्र पर इनको आयोजित इन चीजों को करना है। अब आयुष विभाग के द्वारा यहां पर उपयुक्त रूप से औषधीय पौधे और विभिन्न पौधे ये सब वहां पर इन चीजों को लेकर के
पोषण कह सकते हो कि वाटिका को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर 26 सितंबर से 23 सितंबर में लिखा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्रों पर या पोषण पंचायतों में स्वस्थ आहार प्रथाओं क्षेत्रीय और मौसमी हिसाब से उसमें जागरूकता उसके लिए अभियान चलाए जाएंगे। और देखो यहाँ पर पोषण पंचायत में बचपन में मोटापा जैसी जीवन शैली रोगों की रोकथाम के लिए उनमें बदलाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे आयुष प्रथाएं उत्पाद की जो है सिफारिशें शिविरों का आयोजन होगा और यहाँ पर जो है एनीमिया कम वजन इन सब चीजों पर चर्चाएं और यही सब देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के पोषण से रिलेटेड पूरा सप्ताह रहेगा, हर सप्ताह में कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड चीजें हैं क्योंकि पोषण माह ही पूरा पोषण अपने आप में एक नाम लेकर के चलता है। तो अब यहां पर ये एक लेटर हमारे पास आया था जो कि आप लोगों को हमने दिखाया। साथियों उर्मिला बहन है कानपुर नगर से आती हैं जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। कुछ और हैं, सुधा बहन है सिद्धार्थ नगर से आती हैं, गीता बहन सीतापुर से आती हैं और आप देख सकते हो इनका ये घुरैन शायद कुछ लिखा हुआ है सेकंड वहां पर इनका ये केंद्र है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर जो है जंगल जैसा दिख रहा है। अब ऐसे में आप बताओ कैसे सब क्या होगा, बच्चे कैसे वहां पहुंचेंगे, इतना जो है वहां पर कीड़े मकोड़े सांप सब कुछ देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सफाई तो है ही नहीं। मंजू सिंह बहन है सुल्तानपुर से, उनके वहां से फोटो, हेमलता बहन वाराणसी से वहां से फोटो, रमा देवी लखीमपुर खीरी से उनके द्वारा फोटो, द्रौपदी देवी महाराजगंज से उन्होंने फोटो भेजी, अनीता गर्ग मुजफ्फरनगर से वहां से फोटो, रीना यादव लखनऊ से उनके द्वारा भी फोटो, और यह कौशल्या कुशीनगर से इनके द्वारा भी फोटो। तो आज का ये वीडियो इसको हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। बहनों नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनकर आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।